बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सीरियल प्रोग्राम फैसले जी घड़ी माहिया आफ्ताब मुगेरी मां हमेशा चवंदा त फैसला थियण खपन इन धरती लाए, इन धरती धणी जे लाए, खास तौर ते कराची का कश्मीर, कश्मीर का वरी कश्मीर ताई इन वक्त पाकिस्तान के अंदर जेके मसला हैं उहे वड़ा अहम हैं। अगर गाल कजे तो बिजली डियो महंगी पी थी वे, आम माण्हू के रोजगार मुयसर ना है, नौकरियों मिलने लाए इन वक्त चाहे केपी हुए, सिंध हुए, बलोचिस्तान हुए या पंजाब या विफाकी हुकूमत हुए, उनते इन वक्त कोई भी न पे सोचे, सोचे पे तो इन वक्त उन केसन ते पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान या 9 मई के केसन ते सब सियासी दूरी वेही करे सोचन पे, पर जिन पांजे मैनिफेस्टो में वाज़े तौर से चयो जदे इक्तदार में इंदासे तो अवां के नौकरी दींदासे, रोजगार दींदासे, सस्ती सेहत दींदासे, सस्ती तालीम दींदासे, पर अज उन्हनि ते को भी ओरो वीचार न पियो करे। अज गाल कयूं त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उन ही रस्ते ते निकरी वरी कोर्ट ते वही पोती, कोर्ट में अज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इहा दरख्वास्त दायर कंदे चयो तो सुप्रीम कोर्ट उन पांजी जजमेंट ते नज़रसानी करे, जैमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जेके 8 जजन जेको फैसलो डो तो उन्हें सीटू दिनी वन उन नज़रसानी कई वे, यानी कि तय आ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नून लीग के उन ही दरख्वास्त कई हुई नज़रसानी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहे पी पाकिस्तान तरीके इंसाफ उन्होंने का को इंसाफ या पांजू सीटू घुरी ही न तो क्या 8 जजन अड़ो फैसलो दिनों जैमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मखसूस सीटू ये मिली सगन तय आ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौकफ यो भी आए तो किथे न किथे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यो सोचे पी तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ न इलेक्शन विढ़ी, न इलेक्शन में बीठी, न इलेक्शन में उनके मानू आन उन वोट वता, न उनी अगवाटी जो चेजे तो दरख्वास्त या जेका लिस्ट आहे जेका इलेक्शन कमीशन में जमा कराई वेंदी आहे न उहा जमा कराई, तो कड़ी रीत इन वक्त नओ यो फार्मूलो तय थियो आहे जिनके तहत वरी उन्हनि खे ये सीटू मिलंदियूं। इन सां गॾोगॾु अगर ॻाल्हि कजे त सदर आसिफ अली दस्तदारी क्रिश्चन मैरिज तरमीम एक्ट जेको 2024 आहे उन ते अॼु सही करे छॾी, अॼु तय आहे त पाकिस्तान जे अंदरि ख़ासि तौर ते अक़लियतूं ऐं ख़ासि तौर ते क्रिश्चन कम्युनिटी जो इहो केतिरे वक़्त खां मुतालबो हो त पाकिस्तान जे अंदरि 16 ऐं 13 सालनि जी जेका शादी जी उमिरि आहे उनखे वधाए करे 18 सालनि जो कानून पास कयो वञे, त जहिड़ी रीति जेको आहे सो पाकिस्तान जे अंदरि जेके क्रिश्चन कम्युनिटी सां तालुक़ु रखनि पिया उन्हनि जा ॿार या उन्हनि जा नौजवान 18 सालनि खां पहिरियां जेके शादियूं थियनि पियूं ऐं उहे जबरी जेके शादियूं करायूं पियूं वञनि उन ते घटि में घटि पाकिस्तान जे आईन जे तहत 18 साल जेके ॿिया पाकिस्तान जे अंदरि कानून मौजूदु आहे अहिड़ी रीति उन्हनि जूं बि शादियूं थी सघनि। 9 मई जी ॻाल्हि कयूं त अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सीनियर रहनुमा शीरी रहमान अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वाज़े तौर ते चयो त 9 मई जे उन्हनि वाक्यनि ऐं ख़ासि तौर ते पोयनि ॾींहनि में बानी पीटीआई जे ॾिनल बयान खां पोइ पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जे बानी इमरान खान खे माफ़ी वठणु खपे, त जिन चयो ऐं तस्लीम कयो सहाफ़ियुनि जी आॾो त जेल जे अंदरि त मूं जेशवी जे ॿाहिरां पुरअमन एहतजाज करण जी ॻाल्हि कई हुई, पर इहो बि तय आहे त जॾहिं इहो एतिराफ़ु करे चुका आहिनि बानी पीटीआई त इन वक़्तु पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जे बानी खे माफ़ी वठणु खपे। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सीनियर सूबाई वज़ीर आहिनि सिंध में शजीर इनाम अहमद साहिबु चवनि पिया त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंहिं बि सूबे में गवर्नर राज जी हिमायत न पई करे, नई वरी विफाक़ी हुकूमत सां अहिड़ी ॻाल्हि हूंदी त ख़ासि तौर ते जेके हिन वक़्तु सियासी इंतकामी कार्रवाई जेका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह चवंदी आहे त इंतकामी सियासी सियासत न कंदासीं, न कंहिंखां इंतकामी सियासत जे ख़िलाफ़ु कार्रवायूं कंदासीं, छाकाणि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह इन जो पाण निशानो बणजंदी रही आहे वक़्तनि वक़्तनि, ऐं उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे हमेशह क़ुर्बानीूं ई ॾियणियूं पयूं आहिनि। 9 मई जे वाक्यनि खां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सम्झे थी त उहे माण्हू जेके इन में इन्वॉल्व आहिनि उन दहशतगर्दी में उन्हनि खे कैफ़े किरदार ताईं पहुचायो वञे, उन्हनि खे सज़ाऊं मिलणु खपनि। हिन सां गॾोगॾु अॼु इंतज़ारु हुयो त विफाक़ी काबीना को अहिड़ो फ़ैसिलो कंदी, छाकाणि त ॿिनि ॾींहनि खां वठी पाकिस्तान जे अंदरि इहे बि ख़बरूं हलनि पियूं ऐं ॻाल्हि थिए पई त विफाक़ी काबीना ख़ासि तौर ते आर्टिकल 6 लॻाइणु वञे पई, जंहिंमें जेको आहे सो उन वक़्त जे डिप्टी स्पीकर ऐं सदर साबिक़ सदर आरिफ अलवी जे ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 जी कार्रवाई जी जेको आहे सो मंज़ूरी वरिती वेंदी, पर उहो बि फ़ैसिलो न थी सघियो। कल्ह DG ICPR जेका ॻाल्हि कई ख़ासि तौर ते उहा वॾी अहम हुई त पाकिस्तान जे अंदरि जेका दहशतगर्दी थिए पई उन में किथे न किथे उहे अनासर मुलविज़ आहिनि जंहिंजा किथे न किथे तालुकात अहिड़ी सियासी धुरियुनि सां मिलनि पिया जंहिंजा फुटेज ऐं एविडेंस मौजूदु आहिनि, पर वरी ख़ासि तौर ते पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जी सफ़ुनि मां अपोज़िशन लीडर जवाबु ॾींदे चयो त अगरि अहिड़ी शयूं आहिनि ऐं पाकिस्तान में अहिड़ियूं कार्रवाइयूं थियनि थियूं त अफ़वाज पाकिस्तान खे फौरी तौर ते कार्रवाई करणु खपे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मूंसां स्टूडियो में
जिन मेहमान जॉइन किया है सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पेपर्स पार्टी सीनियर अखबार है डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब अवी वही मेहरबानी तसा सा मौजूद आयो मिर्जा इश्तियाक बेग साहब हैं जो सो सीनियर अखबार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग जहाँ आवाज़ भी वही मेहरबानी केपी मऊ असा के जॉइन किया फजल अलाई साहब हैं रुकन हैं हाजी फजल अलाई साहब हैं रुकन हैं केपी के असेंबली जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक अवी वही मेहरबानी सब का पैर माँ हाजी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर ये फरमाइएगा कि हो क्या रहा है समझ में आ रहा है कि वाकईतन कल जो मुलाकात हुई इमरान खान की कुछ सहाफ़ियों से और उन्होंने ये तस्लीम किया कि हाँ जी मैंने पूरा मन एहतजाज की कॉल दी थी कि जेएसयू के बाहर जो है एहतजाज करें तो कहीं ना कहीं ये तो तय हो गया कि अब इमरान खान इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि जो चीज़ें मीडिया पे हैं जो रिकॉर्ड पे हैं उनको तो तस्लीम करना चाहिए जी आपका भी और आपके चैनल का भी के अहम मौजू पर मुझे बात करने की आपने मौका दिया है। असल में जी जितने भी जमहूरी ममालिक हैं वहां पर पुरअमन एहतजाज करना कोई गुनाह नहीं है जी। हमने जब भी एहतजाज की है कभी भी हमने कोई एक पत्ता भी नहीं तोड़ा है और मुझ पे मैं आपके सामने हूं तो मैं अपनी मिसाल देता हूं आपको कि मुझ पे जो FIR हुए हैं कि आपने रेडिटेशन जलाया आपने ये किया वो किया आपने मैं हल्कन कहता हूं कि जिस जलूस को मैं लीड कर रहा था उसमें मुझसे आगे कोई एक बच्चा भी नहीं किया ना कोई गलत काम किया ना कुछ है। वहां पर कैमरे लगे हुए किला पालेसार के सामने हम खड़े थे वहां पर कुछ लोगों ने नाराबाजी की फिर उनको मैंने मना किया है और अंदर की तरफ लोग आए और रेडियो स्टेशन के हमने शुगले 1 किलोमीटर दूर थे देखे तो हमारा क्या वास्ता उनसे। लेकिन ये जो था सिर्फ और सिर्फ अपने अकाओं को खुश करने के लिए ये ड्रामे रचाए गए हैं ना हम ने कभी दहशतगर्दी की है फजल साहब आपने शायद आप कह रहे हैं कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बात कर रहे हैं कि आपने दूर से उनको जलता हुआ देखा मगर जलाने वालों की जो वीडियो मौजूद हैं जो एविडेंस मौजूद हैं चाहे वो पेशावर हो चाहे वो लाहौर हो चाहे वो पकड़िया पहले हुए थे और वो अंदर की तरफ से आए हैं और हमारी तरफ से कोई बंदा नहीं गया उधर से ये सवाल ही पैदा नहीं होता नहीं है तो वीडियो में तो बंदे के शक्ल नजर आ जाते हैं वो दिखा दे वो आवाम को ये भी पता है कि बड़ी गाड़ियों से सरकारी गाड़ियों से जो है ना सरकारी अधिकार कैसे उतर के और वो इस तरह के मजबूत वाकियात और उसमें बोलर निकले वीडियो मौजूद है ये बात जो है ना अब ये एक ड्रामा बन चुका है यहाँ पर मेरे ख्याल में कि एक वक्त जाया करने वाली बात है बच्चे बच्चे को पता है और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से लेके लीडरान तक जो है हम हल्कियन कसम कहते हैं कि हमने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा जिन्होंने कहा वो हम में से नहीं थे वो जिनके थे उनको पता है और आप लोगों को मीडिया के भाइयों को भी पता है कि किन्होंने नुकसान दिए हैं। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि ना तो हमने दहशतगर्दी ना हम दहशतगर्द जितने मोहब्बुल वतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान याजी साहब है सर डिजिटल दहशतगर्दी जो इस वक्त हो रही है कैंसर अस्पताल बने शावर में बनाए क्या नहीं किया लाहौर में बनाए और आप देखिए उन्होंने कितने कोई कितना पैसा पूरा लंदन उनका था लेकिन यहाँ से असल जो चीज है जो अब हाजी साहब आपकी जज्बात ठीक है अपनी जगह पे हैं मगर जो हकीकतें हैं जो ग्राउंड पे चीजें मौजूद हैं उसे तो डिनाई नहीं कर सकते वो तो आया है ना आप कह रहे हैं कि हम नहीं थे ये कोई और थे तो जो जो कराची में सारे मैं अकेले आता हूँ उनको सामने आए ये सब झूठ है ना हमने दहशतगर्दी की है ना कोई केसम पे चले मिर्जा इश्तियाक बेग साहब ने भी ज्वाइन किया सर मैं उनको शामिल करूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर मैं फजल अलाई साहब आप लाजमी है केपी की बात सिर्फ इमरान खान निशाना था और ठीक है चले सर लाइन पे रहिएगा हमारे साथ मिर्जा साहब मैं आपकी जाने वाऊंगा सर तय है कि फैसले की घड़ी है समझते हैं कि वाकईतन एक तो कल आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ डीजी ISPR ने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी सर वाकईतन डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है बन्नू का वाक्य आपके सामने है हाजी फजल अलाई साहब रुकन हैं केपी असेंबली के वो कह रहे हैं कि हमने तो एक पत्ता भी नहीं तोड़ा ये तो कुछ कोई और थे जिन्होंने आके ये सारा कुछ किया
आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो इमरान खान साहब शुरू से ये डिनाई टोटल कर रहे थे कि 9 मई का जो भी है उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट पीजीआई की, वो टोटल डिनाई करते रहे जी। बट अब जाके लास्ट में उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि जीएचक्यू के सामने जो हुआ है और कारकुन वगैरह थे उनकी कॉल उन्होंने दी थी जी। और ये प्री प्लान था क्योंकि उनको ये मालूम था कि उनको अरेस्ट किया जाएगा जी। तो अरेस्ट की सूरत में उन्होंने ऑलरेडी ये प्लान जो था बनाया जी। पॉलिटिशियंस हैं उसके सामने जो है एहतजाज किए जाएंगे। अब नेचुरली जब आप वहां पे पहुंच गए हैं और आपने ये प्लान किया था तो वहां पे आप कोई नेचुरली कोई मिठाई लेके तो नहीं गए थे ना। फिर आपके कारकुन अंदर गए, उन्होंने तोड़ फोड़ की, लाहौर के अंदर आपने जिना उसमें जो किया, जो आप लोगों ने और दूसरी चीजों को आगे लगाई सब कुछ। अब जब आप ये खुद आपने ये एडमिट कर लिया है कि आप इसमें इन्वॉल्व थे, आपका ये प्लान था। देखिए आज तक ये मुझे बतलाइए कि ज्यादतियां पीपल्स पार्टी के साथ भी हुई हैं। शहीद भुट्टो साहब को हैंग कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। बेनजीर साहिबा जो थी उनका आपने देखा है कि उनको शहीद कर दिया गया। जो आल्सो जो है उनकी हुकूमत को जी खत्म कर दिया। क्या किसी ने ये प्लान की लीडर ने कि हम जीएचक्यू पे जाएंगे, हम आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले करेंगे? किसी ने नहीं की। अब आप ये डिनाई कर रहे हैं कि नहीं जी हम वहां पे गए तो जरूर थे मगर अंदर जो लोग दाखिल हुए वो हमारे नहीं थे। तो ये तो बिल्कुल कोई बात समझने से कासिर है कि आप गए थे मगर अंदर नहीं गए, जबकि हमारे उन लोगों ने आप फुटेजेस के अंदर भी जो दिखाई जा रही है रेगुलरली ऑन द टेलीविजन साफ इनके कारकुन नजर आ रहे हैं जो हिदायत दे रहे हैं कि अंदर जाइए। एक वो जो न्याजी इनका कजन है आपने देखा है, उन्होंने यूनिफॉर्म बाहर ला के वो दिखाई, सब कुछ की। उसके बाद आप टोटल डिनाई कर दें कि नहीं जी हम अंदर नहीं गए थे, हम वहां तक गेट तक गए थे, गेट के बाद जो थे हम रुक गए थे और अंदर जाने वाले कुछ लोग जो थे, तो इसके अंदर जी कोई वजन नहीं है। मेरे ख्याल है जी देखिए कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीजी आईएसपीआर की वो बड़ी क्लियर थी कि इस मुल्क में दहशतगर्दी जो हो रही है अब डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, जिसके अंदर जी आप लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बैठ के चीजों को जिस तरीके से पेश कर रहे हैं। जैसे देखिए बन्नू के अंदर हमारे पास जो चीजें भेजी गई जो हम सोशल मीडिया पे नजर आई कि आर्मी ने जनाब स्ट्रेट फायर किए हैं लोगों के ऊपर और कई लोग जो थे वो मर गए और ये तमाम चीजें आपने खुद देखा है कि कल जो वहां पे वीडियो दिखाई गई है कि कुछ लोग उसके अंदर दाखिल हुए हैं जिनके पास इतला थे। और इनका जी फिर प्रोग्राम वही था कि किसी तरीके से ये दोबारा आर्मी इंस्टॉलेशन की तरफ जो है वो बढ़े और उनको नुकसान पहुंचाएं। और उसके बाद जाके सोशल मीडिया पे जिस तरीके मगर हाजी फजल अल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमते ने तो एक पत्ता भी नहीं तोड़ा ना सर, वो तो मानने से इनकार ही है। वो कह रहे हैं ना कराची में हमने एक पत्ता तोड़ा, हमने पुरअमन एहतजाज किया, हमने जो है इस्लामाबाद में भी नहीं किया, हमने पेशावर में भी नहीं किया, हमने लाहौर में भी जना उसके पार नहीं किया, हम तो पुरअमन लोग हैं ना, ये तो पता नहीं कहाँ से लोग आए थे। तो ये कौन फरिश्ते आए थे, ये किस पार्टी के लोग थे जिन्होंने वो काम किया है जो आज तक कोई दुश्मन हमें नहीं कर सका था? तो ये जो देखिए डिनाई तो कोई भी आदमी कह दे कि नहीं जी मैं नहीं हूं मगर सबूत इस चीज के मौजूद हैं। और मेरे ख्याल से इन लोगों के साथ ये बड़ी जुल्म होगा। मैं हाजी फजल लाई की तरफ जाने से पहले मिर्जा साहब नहीं दी गई, मिर्जा साहब मैं डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब स्टूडियो में हैं उनकी तरफ जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब आप और आपकी पार्टी तो कह रही है कि सर किसी भी पार्टी और गवर्नर राज की हिमायत हम नहीं कर रहे, मगर इसके साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि जो ऐसे अनासर हैं जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी जनाब, सबसे पहले तो लॉ ऑफ द लैंड में जो भी जिसने भी गलत कारियाँ की है उसको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रूल्स और लॉ के हिसाब से उन पर मुकदमा चलना चाहिए जी। और इससे तो इतना नहीं है बिल्कुल। और अगर वो इंस्टॉलेशंस को किसी ने भी नुकसान पहुंचाया वो तहकीक होनी चाहिए और केस चलने चाहिए। पीपल्स पार्टी ये चीज़ कहती है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें रूल्स रेगुलेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन है
तो हम वी स्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 73। हम ये नहीं चाहते हैं कि ये इन झगड़ों फसाद और लड़ाई की वजह से कैजुअल्टी 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। जो हालात जिस तरह हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस तरह नहीं हो कि आखिर में इन 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 चीज़ों की वजह से कैजुअल्टी 73 कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए और पाकिस्तान को बर्बादी तबाही के दाए पर लेकर जाए। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है पीटीआई की, जो बका इसमें है कि वो पार्लियामेंट में आए, नंबर वन बात। नंबर टू बात, जो पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में हैं उनसे रवाबत रखें। मगर सर देखें, एक और चीज़ भी है, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब आप सीनियर पार्लियामेंट रुकन हैं, आपने तमाम सियासी उतार चढ़ाव देखे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो सर्दियां गर्मियां और जेल भी आपने देखा है। जेल यकीनी एक सियासतदान, कोई भी सियासतदान हो वो समझता है कि जेल उसका दूसरा घर है। मगर सर ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जेलों में जो गए हैं। हमने देखा था कि आसिफ अली जरदारी की जो है रिहाई कमेटी जो थी वो भी बनी, इसी तरह जो है बेनज़ीर भुट्टो के लिए भी जस्तजू की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए भी की। मगर यहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, इतना एग्रेस, इतनी नफरत स्टेट के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ क्यों है, वजह क्या है? देखें ये इनकी सियासी तरबियत नहीं है, नंबर वन बात है। महात्मा गांधी भी जेल में गए, कांग्रेस भी जेल में गई, बादशाह खान वाले भी गए, पीपल्स पार्टी भी गई, दूसरी पार्टीज़ भी गई, तो वो स्टेट को तो मानते थे ना, हालांकि ब्रिटिश रूल था तभी स्टेट को मानते थे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ माशाल्लाह लगे, वो अयूब का हो या याया का हो या ज़िया का हो या परवेज मशरा, हमने स्टेट मिशनरी के ख़िलाफ़ कभी या इदारों के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं की है। तो ये होती है सियासी तरबियत कि भाई स्टेट को चलना है, इदारों को चलना है। अब ये जो रास्ता इन्होंने उठाया है, ये रास्ता इनकी सियासी तरबियत ना होना है, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हैं। अच्छा दूसरी बात है, चलो एग्रेसिव है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, पर दूसरा एक होता है कि भाई आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, अभी कल परसों तक भी इमरान खान की स्टेटमेंट थी कि मैं पीपल्स पार्टी से बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। हम कल भी जिक्र कर रहे थे और कई दफ़ा किया है कि वो जिनको इन्होंने अमीन बना के भेजा था और कहा था कि जी जाके आप बात करें और एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें जो है अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया था। अचकज़ई साहब बेचारे खुद गायब हो गए, उनको पता ही नहीं कि बात किससे करनी है और कहा भी है तो उस पर भी। इसी वजह से आफ्ताब, इसी वजह से आपकी बात जो मुझे खदशात है कि इनकी इस गलत कार्यों की वजह से जो है कैजुअल्टी 73 कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है। ये आपने बड़ी बड़ी बात की है। फजल अहमद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर, एक तो ये है एग्रेसपन किस चीज़ का है सर, नफरत किस चीज़ की है, सियासत में तो ऐसा नहीं होता। देखिए अरिजन चेंज का जो प्लान था 9 मई उसी स्टेप का हिस्सा था, ठीक है जी। और ये नफरत को उनसे आप पूछे जिनके फैक्ट्रियों में 70-70 इंडिया के एजेंट बगैर वीजे के आए और पकड़े गए और फिर चले गए, रेमंड डेविस किसने छोड़ा, और इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत को किसने 2 साल में तबाह बर्बाद कर दिए, मजबूर कितना कर दिए, अभी जो महंगाई में गरीब अपने बच्चे दबा कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, इस चीज को जरा सोचे। ये तो देखिए, ये जो अभी सदर पाकिस्तान पर बैठे हुए हैं, आप मुझे कहते हो कि केपी में ऑपरेशन है, हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, ठीक ठाक गुजर रही है, और मरकजी हुकूमत बिल पास की केपी में और बलूचिस्तान में ऑपरेशन करे, हमें कोई जगह है, कोई जगह, कोई बदन का कोई हिस्सा गोली से बचा हुआ है कि आप लोग फिर कहते हो ऑपरेशन करो, कश्मीर में क्यों नहीं करते हो? सर इसको पोलिटाइज क्यों कर रहे हैं ऑपरेशन को? कल DGISPR ने भी कहा फजल साहब के, इसको पोलिटाइज क्यों कर रहे हैं, सियासत इस पे क्यों कर रहे हैं? अगर आपके कच्चात हैं तो पार्लियामेंट में जाएं, आप सियासी पैनल पे बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट में बात कर सकते हैं, सूबा असेंबली में कर सकते हैं, सेनेट में कर सकते हैं। गरीबों को गोलियां मारना कोई फर्ज है? पोलिटाइज क्यों कौन करता है? पोलिटाइज नहीं करते हम, हक और सच बात करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है ये जन्नत का टुकड़ा और इस्लाम का किला है, इस पर जो भी गलत करेगा वो तबाह बर्बाद होगा। इन्होंने कहा कि भट्टो साहब शहीद हो गए, भट्टो साहब को किसने शहीद करवाया? भट्टो साहब ने जावल जावल हक के बेटे ने शहीद किया, नवाज शरीफ जो आज एक दूसरे के
गोद में बैठे हुए लोग हैं, इनको जरा सोचे, ये कुर्सी के पुजारी लोग हैं, वो पुजारी सॉरी कुर्सी के पुजारी लोग हैं, हम पठाने दर उर्दू में दर बातों का जाती है वर्डिंग में, हम सॉरी उसके लिए। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, हम समझ सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है, ऐसे ये कुर्सियों के पुजारी लोग हैं, हम यही चाह रहे हैं कि आप जज्बात से काम ना लें, आप बट वो शहीद हो गई है जिनको कोई तकलीफ नहीं है, कारण नहीं, बट वो साहब जो है गलत केस में गलत पांडी आज सुप्रीम कोर्ट मर सर, वो यही कि डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है कि हमने इतनी शहादत देने के बाद भी जो है हमने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। उस टाइम का दौर, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई बात चुप नहीं सकती है, उस टाइम जो है ना वो पीटीवी का दौर था, जिस तरह जो बस पने खान और गुल खान समझ आ गई ना, बस वो समझ, आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी गलत काम करेगा, गलत कदम उठाए, कोई इदारा हो, कोई सियासी पार्टी हो, जो भी हो, तो वो बचेगा नहीं, अवाम की नजरों से नहीं बचेगा, और अवाम एहतजाज भी करेगी, ये जिंदा कौम है, ये जमहूरियत है, ये जमहूरी मुल्क है, जहाँ पर कोई सोच ही बिना गलत काम करे। हाँ अलबत् इनकी जो जितने हैं ना, ये आपको एक बात बताऊं, जब आप कोई दरख्तों की कटिंग करते गाड़ी में डालते ना, इसी तरह हमने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान की मयूर अवाम ने इनको जो है ना काट के एक टोकरी में बंद किया हुआ है, उसमें नून भी है, उसमें शीन भी है, उसमें काफी है, उसमें सरदारी साहब भी है, उसमें पीपल पार्टी में, उसमें अटारा बटो शहीद पार्टी में, उसमें मगर सर आप एक जगह पे तो खड़े हो, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जिनसे बात करेंगे वो आपसे बात नहीं कर रहे, फिर खान साहब ने अचक साई साहब को जिम्मेदारी दी कि चले जमहूरी फोर्सेस से बात करें, पीपल्स पार्टी से करें, कल भी मेरे प्रोग्राम में बहस होती रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबक एम एन ए और कानून दान ने वो चैलेंज कर रहे थे कि जी चले आए हम बैठ कर एक चार्टर फॉर डेमोक्रेसी साइन करते हैं, आप हमारे साथ बैठे, आप बैठने के लिए कहीं पे तैयार ही नहीं है। मैं जिम्मेदारी से बात करूं, खान साहब ने कभी नहीं कहा कि पीपल पार्टी के साथ बैठ के बात करें, कभी नहीं कहेंगे। जमहूरी फोर्सेस से, जमहूरी फोर्सेस में क्या होता है, ये जमहूरी फोर्सेस नहीं है, क्या बात करेंगे, जमहूरी पार्टी नहीं है सर, पीपल्स पार्टी। देखिए मेरी बात सुने, देखिए जब आप क्वेश्चन करते फिर सुना करें, इनके मुंह में तो जुबान भी किसी और का है, तो ये कैसे हमसे बात कर सकते हैं। तो सर किससे बात करेंगे, फजल रहमान साहब से बात करेंगे खाली, इशारे आते हैं या अपने इशारों पर, उनकी इशारों, लोगों की इशारों पर जो है ना, बाहर के इशारों पे, अकाउंट के इशारों पर ये नाचते। फजल इलाही साहब, मुझे जान की अमान पाऊं तो मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अगर अचक जई साहब को उन्होंने मैंडेट दिया तो किसके लिए दिया सर, सिर्फ ये मुझे जवाब दें कि किससे बात करेंगे। कम अज कम पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग उनके लिए नहीं, नहीं दिया तो फिर एमक्यूएम के साथ करेंगे, बाग के साथ करेंगे, बात होगी सर, बाग के साथ करेंगे, एमक्यूएम के साथ करेंगे। ये असद केसर साहब ने भी कहा है, सब सीनियर हमारे जो लीडरान है उन्होंने कहा कि खान साहब ने बिल्कुल नहीं कहा कि या नून के साथ, नून वो तो लेकिन उनको तो कुर्सियां मिल गई, अभी अवाम चाहे वो कच्चे के डाकू के जो है हाथों मरे या पक्के के डाकू के हाथों मरे, समझ आ गई, वो बात अलग है मेरे भाई। ये मुल्क जो है ना, ये इन्होंने तो वो एक तो है ना, ये प्यारा पाकिस्तान जो है ना, अभी इन्होंने शेरना बुरहान बना दिया है, तो जिसकी मर्जी है उसी तरह करे, ये हल चंदे ने इनकी पूरे पाकिस्तान में इनकी 17 सीटों से ज्यादा है, ये दूसरे हमें बता दे पीपल पार्टी इनकी 23 सीटों से ज्यादा है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। चले सर मैं उस पर आता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज जो है दरख्वास्त दायर कर दी नजरसानी की, अब मखसूस सीटों की, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना इलेक्शन लड़ा, ना इलेक्शन में खड़ी हुई, ना उन्होंने जो है बात की कि हम जो है इलेक्शन लड़े ही हैं, सुनी आज़ाद लड़े और फिर सुनी इत्तेहाद काउंसिल में आप शामिल हुए, फिर आपने मखसूस नशिस्तों के लिए ना दरख्वास्त दी, ये अनोखा फैसला है, आपको कैसे फिर ये सीटें मिले, आज तो पीपल्स पार्टी अदालत की नजरें अलहमदुल्ला ठीक ठाक नजर आती, अगर कोई एका दुका जो है जिसकी नजरें खराब हो या उनके साथ ग्लासेस नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन जो फैसला किया है दलेराना फैसला है, हम सलाम पेश करते हैं अध्यक्ष को कि इन्होंने दलेराना फैसला किया, जो वक्त ही पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल पार्टी इमरान खान का एक सिपाही है, पाकिस्तान का एक सिपाही है, वो दुनिया को पता है और वो अध्यक्ष को भी पता है कि कौन पीटीआई से थे और जिन्होंने पीटीआई से इलेक्शन। नजर ये तो ठीक है, आप पीटीआई के हैं हम डिनाई नहीं कर रहे, मगर आप लड़े आजाद इलेक्शन, आप आजाद उम्मीदवार थे, आप आजाद
लड़के, फिर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। आपसे मुराद आपकी पार्टी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और नून लीग का मौकफ है कि आपको सीटें कैसे मिली, आपने जो मांगा है नहीं वही आपको अता किया गया। ये बेचारे बेजुबान माल है, इन बेचारों की क्या मौकफ होगी या क्या जुबान होगा, ये बेचारे बेजुबान है, हमें तो इन पर तरस आते हैं खुदा की कसम। चले मैं डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आप सीनियर पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, आपने बड़े कानून बनते हुए देखे भी और उनका हिस्सा भी बने। सर, आपकी पार्टी का जो ये मौकफ है, आज नजरसानी की जो दरख्वास्त दायर की है, समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही दुरुस्त समझ रही है कि जी नजरसानी की जाए इस फैसले पर? बिल्कुल, हमने कंसल्टेशन की है अपने पार्टी के दोस्तों से जी, एक्सपर्ट से, और हम समझते हैं कि इन्होंने जो है इंडिपेंडेंट लड़े हैं, और जो चीज़ें इन्होंने भी नहीं मांगी है अदालत ने दे दी है जी जी, तो इस हिसाब से तो मेरे ख्याल से कोई तुक नहीं बनता है, और ये हमारा राइट बनता है कि हम अदालत में जाएं, और इसलिए आज नजरसानी की दरख्वास्त फारूक नाइक ने की है पार्टी के हुक्म के हिसाब से। बाकी ये कि अब मसला ये कि इसका ब्रेक थ्रू किस तरह होगा। देखिए, 2014 में धरना इन्होंने लगाया था, मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे, बिल्कुल मियाँ साहब ने सिर्फ ये किया कि उसने आकर पार्लियामेंट में पना ली, पार्लियामेंट ने जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इनको बचाया, अपना मियाँ साहब को। इस वक्त जो मैं एक सियासी वर्कर के ऐसे से समझ रहा हूँ कि पीटीआई जो जो लड़ाई झगड़े करने जा रही है उसमें दमखम नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, इस दमखम में जो है इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं जिस तरह अलताफ़ हुसैन ने लड़ाई लड़ी, उसे उसको कुछ नहीं मिला, एमक्यूएम तितर बितर हो गई, 10 एमक्यूएम बन गई, ये जो लड़ाई करने जा रहे हैं उसमें भी इसी तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि ये तितर बितर हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि रियासत से कोई नहीं लड़ सकता है, ठीक है ना, ये तो एक उसूली बात है। तीसरी बात ये है कि इनको अगर पॉलिटिकल सर्वे करनी है तो पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टी, अब ये कहते हैं पीपल्स पार्टी चोर है, चोर है नवाज शरीफ, चोर है बाबा, ठीक है चोर है, चलो ठीक है आप दो पार्टियों से बात नहीं करते, तो मैंने फिर फजल राय साहब भी हमारे साथ ही हैं, मगर उनके सामने मैंने ये भी सवाल रखा कि सर आप ये बताएं कि ठीक है, मतलब दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इनसे हम बात नहीं करेंगे, हम करेंगे फौज से जी, हम करेंगे ISI से। ठीक है भाई, अगर आप लॉ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उस हिसाब से तो आप फौज और ISI से बात नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको जो है जो सिटिंग गवर्नमेंट है, कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून की हो, अलिफ बेजीम की हो या इनकी हो, तो वही गवर्नमेंट ही किस हर चीज़ करती है, पार्लियामेंट के बटन से गवर्नमेंट निकलती है, पार्लियामेंट के बटन से अदालतें निकलती है, पार्लियामेंट के बटन से कॉन्स्टिट्यूशन निकलता है, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया वो भी पार्लियामेंट के ताकत पर बनाया था। तो अब ये जो रास्ता इन्होंने लिया है, उस रास्ते में मैंने कहा कि मेरे ख्याल से इनको भी कोई नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को नुकसान होगा, पाकिस्तान को इन जनरल नुकसान होगा। बिल्कुल मिर्जा साहब, मैं आपकी जाने माऊंगा। मिर्जा साहब, आप समझते हैं कि एक तरफ सर पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो इंतहाई इस वक्त कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मैशियत बड़ी मुश्किल की दो चार है सर, उससे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान का कह सकते हैं कि रिज़र्व बढ़े, इन्वेस्टर आए, मगर ये जो अनारकी है अभी तक कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा, इतने महीने हो गए हैं कि वाकईतन वफाकी हुकूमत करने क्या जा रही है, सूबाई हुकूमत चलेंगी कैसी, टैक्स कैसे कलेक्ट होगी, रोज़ाना चीज़ें महंगी हो रही हैं, दूसरी तरफ ये जो मामला है अभी तक हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, तो उसकी वजह क्या है सर? अफसर साहब, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी मुल्क के अंदर, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना वो अचीव करना बहुत मुश्किल है। वही कंट्री जो है वो तरक्की करते हैं या मीशत उनकी तरक्की करती है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। अभी आपने देखा इंग्लैंड में भी हुए इलेक्शंस और उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, इंडिया के अंदर भी सिचुएशन यही रही है। हमारे यहाँ यह है कि
जो हारने वाला होता है वो हमेशा इल्जाम लगा देता है कि जी ये चीज हुई है। अब नवाज इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं कि बातचीत करने को तैयार नहीं है, और वो ये कहते हैं कि ये सब चोर हैं और एक मैं वाहिद आदमी हूं जो बहुत ऑनेस्ट आदमी हूं, मुल्क से मुख्तलिस आदमी हूं, मुल्क को कुछ डिलीवर कर सकता हूं। जैसे आपको पता है कि जितने अरसे उनकी हुकूमत रही, जो स्कैंडल आपके सामने हैं तमाम जो हैं, और सबसे बड़ा ये 190 मिलियन, यानी कि पाकिस्तानी तारीख में सबसे बड़ा स्कैंडल जो है वो उनके हुकूमत के दौर के अंदर हुआ, और उनके खुद मिनिस्टर्स ने कहा कि किस तरीके से उसकी जो है वो उन्होंने अप्रूवल दी थी। तो इमरान खान अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि ये देखिए कि जब IMF के साथ हमारा मुआहदा होने जा रहा था, PTI के लोग जो थे वहां पे उनके दफ्तर के बाहर चले गए और वहां पे नारे लगाए और ये कहा कि जी पाकिस्तान को आप मुआहदा पाकिस्तान के साथ नहीं करें, और यही चीज वो एक बार नहीं इससे पहले भी कह चुके हैं। तो देखिए, अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मईशत है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, और अगर पाकिस्तान खुदा ना खासतर निफल, देखिए ये इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की ये दिली ख्वाहिश है कि किसी तरह पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, मगर आप देखेंगे कि पहले भी बहुत बुरा वक्त था, अब तो काफी बेहतरी आ गई है। मैं तो बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त PDM की हुकूमत थी तो आपने देखा था कि हम कितने क्लोज हो गए थे डिफॉल्ट होने से, और डिफॉल्ट क्या होता है इसका अंदाजा शायद इमरान खान साहब को उनकी पार्टी को नहीं है, मगर अब इकोनॉमी के अंदर बेहतरी आ रही है, IMF से इंशाल्लाह स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है और बहुत जल्द इनका बोर्ड भी उसको अप्रूव कर देगा, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है हमारी GDP के अंदर बेहतरी आ रही है, हमारे इन्फ्लेशन जो है उसमें कमी आ रही है इंशाल्लाह, इंटरेस्ट रेट, और सबसे बढ़ के हम $4 बिलियन पे थे, अब हम 9.5 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। सही, मैं बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि बेहतरी की तरफ आप जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दूसरी जो ऐलान किया है आज इस्लामाबाद से, बड़ी अहम खबर है कि वो पार्लियामेंट के अंदर जो है ना भूख हड़ताली कैंप कायम करेंगे। तो सर अब ये फजल लाई साहब, अब पार्लियामेंट के अंदर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, बातचीत का दरवाज़ा बारहा आपसे पार्लियामेंट के अंदर कह के थक गए कि जी खुला हुआ है, बातचीत कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, मगर आप बैठने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि आप अब उसी रास्ते पे चल पड़े हैं जिस पे MQM गई थी, और आखिर में MQM के कोई 4 या 5 टुकड़े हो गए थे, उनको यही नज़र आ रहा है, तो शायद आने वाले वक्त में भी आपके साथ ऐसा ही होगा क्योंकि आप बात नहीं कर रहे। फजल अल्लाह साहब, जो है वो बोरियों में लाशें गिराते थे, तो मेरे कायद इमरान खान ने कहा है कि ये अल्ताफ हुसैन दहशत गर्द है, किस इनमें हिम्मत थी कहने की नहीं। और जो भाई साहब ने बात की कि जनाब जहां पर जो मईशत की बात की, तो मईशत तो तब ठीक होती कि ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के ममालिक समझे तो कोई लीडर हनेट बैठा हुआ है तो सब करेंगे, अब तो अवर्सिक पाकिस्तानियों ने ना ये तरक्की कर सकते हैं ना इनको पता है, अब इतना इनको पता नहीं है कि ये बातें किस रास्ते से, इन बेचारों को तो इजाजत भी पता नहीं है, और जो मैयत को तबाह है ये कभी नहीं संभलेगी। जो 2 साल में 14 रुपए का जो 14 रुपए यूनिट आज, भाई साहब जान के मान पाऊं, मुझे आप ये बताएं कि 3 साल में जो आपके पास हुकूमत रही कोई मंसूबे बता दें कि जी आप मुझे उंगलियों पे, मैं गिनता जा रहा हूं, छोड़ दें इनको, नून लीग को, PTI को, मैं और आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं आपको, मुझे कोई मंसूबे गिनवाएं विफाक की हुकूमत ने सिंध के लिए, पंजाब के लिए, KP के लिए बनाए। डबल डैम हो गए और 8 कंप्लीट हो गए, 28 के काम जारी है, ये हमें बता दें कि मार्शल्ला के बगैर जो अयूब खान का मार्शल्ला है तो उसने डैम बनाया, जब दूसरे आए तो उसने डैम बनाए, इन्होंने कभी सोचा था कि कोई डैम बना दे, इन्होंने कभी सोचा था कि कोई कर्ज वापस करे, ये तो IMF मतलब है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम। सर वो तो कह रहे हैं कि IMF से खैरा बात करके हम गए थे, दोबारा IMF की तरफ आप गए, ये 5 की तरफ अवाम को लेके जा रहे हैं, खुदकुशियों की तरफ ले, IMF से और कोई है
फजल इलाही साहब आईएमएफ की तरफ तो सर आप गए, वो तो आईएमएफ का कर्जा उतार के चले गए थे। मियां साहब वो दावा कर रहे हैं कि हमने तो जो उतार के चले गए। तौबा करे मियां साहब की तो बस कहानी खत्म है, उस पर तो अपने भाई इत्मीनान नहीं करते। छोटा भाई जिसको कहते हैं साइड पर बैठ जाओ और मियां साहब को जो है साइड से कहते हैं, छोटा मियां जो है ना बड़ा मियां छोटा मियां सुभान अल्लाह, वो जो है ना छोटा मियां सुभान अल्लाह बन के और वो वजीर आजम बन गए और दूसरा जो है उस पे जो है वो बिठा दिया और दूसरे की बिठा। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइएगा कि मेरा ताल्लुक अगर पाकिस्तान से है, मेरे वजीर आजम उस वक्त के जनाब इमरान खान साहब ने कोई 10 बड़े बेगा मंसूबे सिंध के लिए मुझे गिनवा लें। कराची ने आपको वोट दिया, आपके वजीर आजम को इतना बड़ा वोट दिया, कराची में हमें जो है ना रोजाना के ऐलानात तो सुनते थे, कान बड़े खुश हो जाते थे, हम आके प्रोग्राम में करते थे कि खान साहब ने बड़े ऐलानात कर दिए। कोई मुझे एक मंसूबा सिंध के लिए बता लें, मुझे पंजाब के लिए बता दें। जो बड़े बड़े मंसूबे किए हैं, हाँ जो बड़े बड़े मंसूबे किए हैं बड़े बड़े, चले केपी के बता दे सर। हाँ केपी में आपको पता है कि 28 डैमों पर काम जारी है, 8 कंप्लीट हुए, मुमन जैसे बड़े बड़े डैम हमने बनाए हैं, उसका आप जरा कितना बता दें कि कभी इन्होंने कुछ किया था। और आप अब जो इतनी महंगाई है जो हमारे में साढ़े सर महंगाई वो तो फिर तो आपके उस पे आ रही है ना घूम फिर के कि आपने जिस तरह से मुल्क का हाल किया, वो इतने कर्जे लेके गए, वो तो रोना रो रहे हैं कि आपने कर्जा लेके पाकिस्तान को तो डिफॉल्ट की तरफ भेज दिया था। ये तो मिर्जा साहब और जो है ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि अगर पीडीएम की हुकूमत नहीं आती और वो काम उस तरह से नहीं करती तो आज हम डिफॉल्ट हो चुके होते सर। ऐसे ही तो कर्जा वापस भी किया है, ये तो ले कह रहे थे हमने वापस कितना किया वो भी जरा रेशो। ख्वाजा साहब कुछ कह रहे हैं, ख्वाजा साहब लगारी साहब और उसकी जो टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई थी ना शौकत तरीन की जी, जो वो कह रहे थे कि लगारी साहब थे मोहसिन लगारी ने कहा कि अगर ये मैं कहूंगा तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा जी जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऊपर से इमरान खान ने कहा कि आप करें। वजीर खजाना मुशीर खजाना केपी की भी और पंजाब की भी जो आप कह रहे हैं टेलीफोनी गुफ्तगू उसका जरूर मोहसिन लगारी और उसका मोहसिन ने तो खैर फेवर की, हालांकि वो पीटीआई का था जी, पूरे रिकॉर्डिंग वीडियो रखना है तो पार्टी की जो है ना वो खून में शामिल है ना जी, लेकिन ये सारे फेक और ड्रामे वाली बातें जो है वो अवाम ने अवाम मुस्तरद कर चुकी है, इस तरह कोई नहीं। सर ये अवाम जो आपके पास है, आपने कहते हैं कि अवाम ने ये कर दिया अवाम ने वो कर दिया, मगर अवाम को तो आपने उस डगर पे छोड़ दिया 3 साल के बाद, जो अवाम बेचारी परेशान हो गई, अब तो जो है जितनी महंगी जो चुराया गया अवाम का जी, कोई कलमा पढ़ने और हलफ ले लेके जी मैंडेट हमारा चोरी नहीं हुआ है तो मैं इनसे माफी मांगू, पूरे पाकिस्तान है कराची में एक सीट ऐसी होंगी नहीं थी और उनको कैसे दिलाया गया है सारा रिकॉर्ड में मौजूद है, ये नहीं है हवा के भी कान होते हैं। सर जो आपसे आपको जो पूरे पाकिस्तान में सीट अनायतें की गई, जहाज भर भर के आपको दिए गए थे, आप केपी में तीसरी हुकूमत चल रही है जी, केपी में तीसरी हुकूमत है इनकी। हाँ जी साहब, हाँ जी केपी में तीसरी हुकूमत है, आप आ जाए सर्टिफिकेट देके, आप रूट देके, आप पाली का सिस्टम देंगे, आप हर एक चीज जो देंगे अल्लाह के करम से अवाम खुश है, इसलिए हम चलो बैठे थे और हमें जो है अवाम ने वोट किया और हमारे लिए निकले हैं और लड़े हैं, हालांकि यहाँ पर बहुत जोर लगाया अवाम हमारे सपोर्टर को उठाए क्या नहीं किया। हालिया जो इलेक्शन हुए हैं उनमें आपको फिर अवाम ने क्यों नहीं वोट दिया जो जिमी इलेक्शन हुए मैं आपसे कह रहा था कि जिमी इलेक्शन में आवाम ने फिर उस तरह से मैंडेट क्यों नहीं दिया आपको? कौन से इलेक्शन में? अभी जो इलेक्शन हुए हैं सर बाजवड़ में जी, कमाल है जिधर आपके वहां पर आरोप उठा के ले जाए और जबरदस्ती दरख्वास्त साइन करवा ले तो वो हम कैसे जीतते? ठीक है सर, सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं कि वहां से उठा के ले गए थे, जब आपको वोट मिल रहा था तो उस वक्त कोई उठा के नहीं जा रहा था। नहीं इधर भी किए हमारे पिशावर में जो है 4,000 वाला जो है उसका 24,000 बनाया है, एक अफवानी को असेंबली में लाया गया है जो कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान की मिट्टी को पलीत किया है, एक अफवानी को लाया गया मीर मकाम में,
नहीं तो अगवानी को लाया है सर, एविडेंस दें, आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, अदालतों में जाएं, वैसे भी अदालतों में आप तो सुबह शाम जाते हैं, इसमें कोई बिंदा पाकिस्तानी आपको तो फौरन जाना चाहिए, पार्लियामेंट के मेंबर को, स्पीकर को, आपको, आपके सीएम को, केपी। हमने दरखास्तें भी नहीं वो की है, लेकिन यहाँ पे जब एक इलेक्शन कमीशन एक इलेक्ट्रॉनिक वो उसके खिलाफ स्पीकर कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो अफगानी हो, इंडियन हो, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम लीग जो है ना, मोदी को बगैर। मिर्जा साहब आखिर अब वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ, मगर सर ये समझते हैं कि वाकईतन ये हुकूमत चल सकेगी, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया पे और डिजिटल दहशतगर्दी का जो कल DGISPR ने जिक्र किया था, वो डिजिटल दहशतगर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो पाकिस्तान को, मौजूदा हुकूमत को कमजोर करना, या फिर पाकिस्तान की इकनॉमी, या पाकिस्तान में इन्वेस्टर, या पाक चाइना दोस्ती, या वो ममालिक जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सर डिजिटल दहशतगर्दी का रोकथाम कैसे करेगी वफाकी हुकूमत, और आपकी हुकूमत वाकई 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी? नहीं करेगी। आयक साहब कह रहे नहीं करेगी, मगर आप मिर्जा साहब लिख ले अपने साथ। मिर्जा साहब आर्मी को, जो आर्म फोर्सेस हैं, उसको हुकूमत ने कहा है कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये तमाम प्रॉब्लम जो हैं ये हमारे आर्म फोर्सेस के लिए जो क्रिएट किए जा रही हैं, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये मुल्क की प्रॉब्लम है और हुकूमत की प्रॉब्लम है, तो हुकूमत इंशाल्लाह उनको डेफिनेटली जरूर इसके अंदर सपोर्ट करेगी। और आप देखेंगे, देखिए ये मैं आपको बतलाऊं कि इस वक्त जिस तरीके से PTI मुल्क के उससे खेल रही है, आज तक कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह की चीजें नहीं की, आई होप ये सेंस प्रिवेल करेगी। और ये जो इन्होंने एडमिट किया है, अपने पैर पे इन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी है और ये बतलाया है, इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रही है, इनको मुकदमों को इमीडिएटली चलना चाहिए, और जो लोग थे, जो मास्टर माइंड थे ये 9 मई के, उनको मेरे ख्याल से जब तक यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात बेहतर नहीं होंगे, जब तक वो लोग जिन्होंने 9 मई के अंदर जो था पार्टिसिपेट किया था या मास्टरमाइंड थे, उनको सजाएं नहीं होती और उनके मुकदमे नहीं चले जाते और उनको कंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ये चीज एक शुरू हो गई तो फिर मुल्क के अंदर हर पार्टी जो है उसका रुख जो है वो GHQ की तरफ होगा और आर्म फोर्सेस की तरफ होगा, जो मुल्क को डिस्टेबिलाइज कर देगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हुकूमत जो है अपनी ब्याज पूरी करेगी, IMF से $7 बिलियन का हमने मुआहदा कर लिया, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा, और IMF जब भी कोई मुआहदा करती है तो आफ्ताब उसके अंदर वो देखती है कि ये क्या अमाउंट जो वो हमसे ले रहे हैं वो किस तरीके से कहाँ पे यूटिलाइज होगा और कहाँ पे ये खर्च होगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि डिस्पाइट PTI की ख्वाहिशात क्या है, इंशाल्लाह मुल्क आगे की तरफ जाएगा, हुकूमत ये अपना कम जो है वो इंशाल्लाह पूरी करेगी। ख्वाजा साहब वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ, आप बताइएगा सर, वाकई 5 साल पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं आपको मौजूदा हुकूमत के? सर चलिए हम चाहेंगे कि टेन्योर पूरा करें हम, और वो पार्लियामेंट के आसरे पर और पार्लियामेंट के अंदर जो है बैठकर हम मसला हल करें। मैं मशहद गया था, सॉरी ईरान गया था, पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया था एज अ सेनेटर, 2 सेनेटर थे, 2 MNA थे किसी कॉन्फ्रेंस में, तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग में हम गए वहाँ ईरान के, तो वहाँ इमाम रजा शाह का एक वो कॉल लिखा पड़ा था, बिल्कुल, उसमें उसने कहा कि भाई जो भी यहाँ आएगा उसको पनाह मिलेगी उनकी जो भी है जी। तो मतलब पार्लियामेंट वो है जहाँ सबको पनाह मिलेगी, बिल्कुल, और वही पार्लियामेंट है जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून भी है, PTI भी है, यही एक रास्ता है जो जिना साहब दिखा कर गए हैं, अगर हमने वो रास्ता लिया तो बेहतर है, नहीं लिया तो कैजुअल्टी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आप तशरीफ लाए, आप प्रोग्राम का लिए वक्त निकाला, हमारी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया हाजी साहब कि आपने वक्त निकाला, मिर्ज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, टिनी मेहमान जी मेहरबानी, तैयार फैसले जी घड़ी आए, फैसलो थियण खपे इन अवाम जे लाइ, पाकिस्तान जे लाइ, सियासी धिरुनि खे पाण में वेही जमहूरी कुवतुनि खे किथे न किथे ॻाल्हि करणी पवंदी ऐं पाकिस्तान खे अॻिते वधाइणो पवंदो, छाकाणि त हालात इंतिहाई मुश्किल आहिनि ऐं अवाम परेशान आहे। सुभाणे ते आफ़्ताब मोहरी खे इजाज़त ॾींदा, अलाह हाफ़िज़।